हेलो नमस्ते सत श्री अकाल जी, मैं गौरी छुगानी तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में ब्लिसफुल यू एंड माइंड। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है सूरन या तो कहिए जिमीकंद के कोफ्ते की सब्जी। दोस्तों, देखा जाए तो ये जो सूरन होता है, जिसे जिमीकंद कहा जाता है, बहुत ही हाई होता है प्रोटीन्स में, फाइबर्स में एंड पोटेशियम में। इसमें बहुत ही प्रचुर मात्रा में विटामिन बी की मात्रा होती है, जो कि हमारे बीपी लेवल को बहुत ही कंट्रोल रखती है। और ये जो जिमीकंद है, जिसे सूरन भी कहा जाता है, ये डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। सो दोस्तों, ये वाली जो सब्जी है सूरन की, इसकी मैं जितनी तारीफ करूँ बहुत कम है। आइए चलिए फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल ऑप्शन दबाना बिल्कुल ना भूलें। सो दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे नियर बाय आधा किलो जितना सूरन है, वो मैंने इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस में चॉप कर लिया है, धो भी लिया था। उसके बाद अब हम इसे बॉईल करने रखते हैं। पानी का लेवल देख सकते हैं आप, जितना हमारा जिमीकंद है उसे थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। थोड़ा सा आपने हल्दी ऐड कर लेनी है और थोड़ा सा बॉयल टाइम ही नमक ऐड कर लेना है। अब दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे नियर बाय जो हमारा एक नींबू होता है, उसका रस आपको ऐड कर लेना है, बॉईल में ही ऐड कर लेना है। बॉईल में ऐड करने से फ़ायदा ये होगा, जो खट्टाई होगी जो हमारे नींबू की, वो सूरन के अंदर चली जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम फटाफट से कुकर बंद करके इसे एक विसल लगा लेंगे। एक विसल से ज़्यादा आप बिल्कुल ना लगाइएगा, क्योंकि सूरन जो होते हैं वो बहुत जल्दी गल जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए, एक विसल में ही कितना अच्छे से ये गल के तैयार हो गए हैं। चलिए दोस्तों, तो इसे फटाफट से निकाल लेते हैं बाहर। अब ये देखिए, आपको मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ, हल्का सा देखिए टाइट है। सो दोस्तों, यही लेवल का आपको इतना ही सूरन बॉईल करना है। अगर आप ज़्यादा बॉईल कर देंगे तो जब हम कोफ्ते बनाने जाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बाइंडिंग जो होगी उसके लिए आपको बहुत सारा बेसन ऐड करना पड़ेगा। सो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने जो सूरन है उनको अच्छे से मैश कर लिया है। अब डाल लेते हैं हम ये सूखे मसाले। जो सूखे मसाले हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जिसमें मैंने डाली है कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ये हो गया जीरा पाउडर, अमचूर, और यहाँ पे थोड़ा सा आप देख रहे हैं पिंच जितनी मैंने ये सोडा ऐड करी है। अब दोस्तों, ऐड करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, वो है हमारा बेसन। यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो मैंने 3 टीस्पून जितना बेसन ऐड किया है, और यहाँ पे टेस्ट के लेवल पे मैंने यहाँ पे नमक ऐड कर लिया है। सो बेसन जो है वो फिक्स नहीं है दोस्तों, अगर आपका सूरन ज़्यादा अगर बॉयल हो गया है तो बेसन की जो क्वान्टिटी ऐड होगी वो ज़्यादा ऐड होगी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे नियर बाय 1 टीस्पून जितना मैंने सूखी मेथी जो होती है, जिसे हम कसूरी मेथी भी बोलते हैं, वो मैंने ऐड कर लिया है। अब देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे बाइंडिंग प्रॉपर हो नहीं पा रही थी, तो मैंने बेसन थोड़ा सा और ऐड किया है। सो अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए इस तरीके से जब आप हाथ में लेंगे तो ये पूरी ऐसे बॉल बननी चाहिए। तो आप देख रहे हैं अच्छी से बॉल बनी। अब मैंने यहाँ पर पहले ही तेल गर्म करने के लिए रख दिया था। तेल जो मैंने पहले से रखा था वो मीडियम टू लो फ्लेम पर रखा था। सो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप ये अपने कोफ्ते तलेंगे तो आपको बहुत ही हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करने हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे वन बाय वन आपको इस तरीके से कोफ्ते बनाते जाने और डालते जाने हैं। बैचेस में आप ये सारे कोफ्तों को तल के निकाल लेंगे। दोस्तों, बिलीव कीजिएगा, बहुत ही अमेजिंग सब्ज़ी बनके रेडी होती है। कई बार हम बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि क्या सब्ज़ी बनाएं, व्रत है, जब आपने प्याज लहसुन नहीं खाना है, सिर्फ टमाटर ही खाना होता है, तब आप ये बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी जल्दी से बना सकते हैं। सो दोस्तों, देखिए 2 to 3 मिनट्स हो चुके हैं, अभी आप देख रहे होंगे कलर अभी तक गोल्डन ब्राउन नहीं हुआ है। सो हम इसको थोड़ा सा भी हल्का फ्राई और कर लेते हैं, जब तक ये थोड़ा सा डार्क हल्के गोल्डन ब्राउन कलर के, फाइन बहुत अच्छे से कलर के गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हैं। सो दोस्तों, देखिए 2 to 3 मिनट्स और सेकने के बाद अभी ये हमारे जो कोफ्ते हैं उनका कलर बहुत अच्छा हो चुका है। चलिए फटाफट से निकाल लेते हैं इन्हें बाहर। सो चलिए, अब मैं आपको क्लोजअप तरीके से दिखा देती हूँ, ये देखिए कितना अच्छा कलर हमारे कोफ्तों का बैठा है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से अब कर लेते हैं ग्रेवी की तैयारी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 बिग टेबल स्पून जितना ये मैं ऑयल ऐड कर लेती हूँ हमारी सब्ज़ी के लिए। चलिए दोस्तों, एज तेल देखें आप गरम हो चुका है, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है जीरा, जो कि है 1 टीस्पून के आसपास। यहाँ पे कुछ तेज़पत्ते ऐड कर देंगे, तो 2 से 3 लौंग ऐड कर देंगे, और यहाँ पे काली मिर्च है वो मैंने पूरी वाली काली मिर्च ली है, वो कुछ हो गए 6 से 7 दाने मैंने काली मिर्च के डाल दिए हैं। सो दोस्तों, ये जो भी मैंने खड़े मसाले लिए हैं आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे थोड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक मैंने अदरक ली है, वो अदरक भी ऐड कर दी है,
अदरक को मैंने कद्दूकस कर लिया था। चलिए अब ऐड कर लेते हैं ये टमाटर की प्यूरी है। ये देखिए, चार टमाटर मैंने बड़े लिए थे, उनके अच्छे से इस तरीके से मिक्सर ग्राइंडर में प्यूरी बना ली थी। चलिए साहब, अब ये देखिए टमाटर मेरा ऐड हो गया है। अब अच्छे से इन टमाटर को हम पहले भून लेते हैं ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। दोस्तों, अब टमाटर को भूनते भूनते 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब सिर्फ ग्रेवी के लिए आपने ऐड करना है ये नमक। ये देखिए, ग्रेवी के अनुसार मैंने नमक ऐड कर लिया है। चलिए जी, अब सारे मसाले ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये थोड़ी सी हल्दी ऐड कर ली है। अब ऐड कर लेते हैं यहाँ पे धनिया पाउडर। ये देखिए, ये धनिया पाउडर ऐड हो गया। अगर आप मसाले ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप मसाले की जो क्वांटिटी है अपने हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे। कम खाना पसंद करते हैं तो आप उन क्वांटिटी को घटा देंगे। यहाँ पे देखिए, मैंने कश्मीरी लाल मिर्च है वो आधी हाफ टी स्पून जितनी मैंने ऐड कर ली है। चलिए सारे मसालों को मिक्स कर लेते हैं और ये जो हमारे टमाटर की प्यूरी है उसको अच्छे से पकने देते हैं, नियर बाय 5 to 10 मिनट्स। चलिए दोस्तों, अब थोड़ी सी खुशबू के लिए यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है गरम मसाला, जो कि हमारी सब्ज़ी को बहुत ही अमेजिंग सा एक फ्लेवर ऐड करेगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हमारी ग्रेवी के लिए वो है 2 टीस्पून जितनी मैंने ऐड कर ली है मलाई। मलाई साहब डालने से आपकी जो ये ग्रेवी है उसकी कंसिस्टेंसी तो थिक होगी, क्रीमी भी होगी और खाने में सब्ज़ी बहुत ही अमेजिंग बनती है। अब दोस्तों, सारी चीज़ें ऐड हो गई है। इस तरीके से उल्टा कवर करके आपने 5 से 10 मिनट तक इसको ग्रेवी को अच्छे से पकने देना है। अब देखिए, 5-10 मिनट के बाद जब हमारी ग्रेवी काफ़ी थिक होना शुरू हुई थी तो मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर लिया है। सो दोस्तों, ग्रेवी की कंसिस्टेंसी जो है आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। आप चाहें तो थोड़ी पतली भी रख सकते हैं। यहाँ पे यूजुअली मीडियम लेवल की कंसिस्टेंसी वाली हम ग्रेवी मेंटेन करेंगे। ना ज़्यादा बहुत मोटी होगी, थिक होगी, ना ज़्यादा पतली होगी। इस तरीके की देखिए कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, अब इस कुकर को हम कवर करके नियर बाय 1 विसिल लगा लेंगे। सो दोस्तों, 1 विसिल के बाद देखिए हमारी अमेजिंग सी ग्रेवी रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम डाल लेते हैं कोफ्ते। कोफ्ते डालने के बाद आपने क्या करना है, इसे हल्के से सिम गैस पे सिर्फ 2 मिनट तक कुक करना है और कुकर का ढक्कन इस तरीके से बंद कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, 10 मिनट के बाद कुकर रखने के बाद जब हमने सब्ज़ी खोली तो ये मैजिक हुआ। कलर देखिए कितना अमेजिंग है। सब्ज़ी टेस्ट में तो आप, मैं जितनी तारीफ़ करूँ ना दोस्तों, बहुत ही कम है। कोफ्ते की सब्ज़ी, चाहे आप कोई से भी कोफ्ते ले लीजिए, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। सो यहाँ पे ये जो सूरन के कोफ्ते बने थे, बहुत ही अमेजिंग सब्ज़ी बन के तैयार हुई थी। दोस्तों, जब भी आपका फास्ट हो, आपने अगर प्याज लहसुन नहीं खाना है, ज़रूर से ये सब्ज़ी ट्राई करना बिल्कुल ना भूलें। सो दोस्तों, आई होप आपको ये मेरी सिंपल सी रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, इसी तरीके की बहुत ही अमेजिंग रेसिपीज़, सब्ज़ियाँ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आपने जाना है प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में मेन कोर्स रेसिपीज़ हैं, उन्हें क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। उस प्लेलिस्ट में आपको बहुत अमेजिंग सी डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ मिल जाएंगी। ज़रूर से उन रेसिपीज़ को ट्राई कीजिएगा और आपके रिव्यूज मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, इट्स टाइम टू से बाय बाय। चलती हूँ, मिलती हूँ ऐसी ही कोई अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप रहिए मुझसे कनेक्टेड एंड रहिए स्टे ब्लिसफुल एंड स्टे हेल्दी।